कार्य शुरू किया जाए? यस सर। यस सर। मंडे को हम पढ़ा रहे थे कारक प्रकरण के बारे में, तो उसमें संबोधन छूट गया था, है ना? संबोधन छूट गया था ना? बोलिए। यस सर। आज यस सर कारक प्रकरण का आखिरी जो विभक्ति है संबोधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे संबोधन क्या होता है। किसी को बुलाने के लिए, किसी को आवाज देने के लिए हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वही संबोधन होता है, ठीक है? जैसे हम किसी को बोलते हैं अरे सुनो, तो जो अरे होता है वही क्या होता है, ठीक है? कारक। देखिए संबोधन कारक। पृष्ठ संख्या 44 खुली आप तो क्या भी रखते ना कहीं। पृष्ठ संख्या 44 खुली है। शुरू किया जाए बेटा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप सभी अपना अपना माइक, सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आर्यन गुप्ता, चलिए, वेरी गुड। अधो लिखितानि वाक्यानि पठत। अधो मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब लिखे गए। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। क्या वाक्य दिया गया है देखिए। हे मेघ जलम देहि, हे बादल आप जल बरसाओ, हे ईश्वर आसमान रक्षतु, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हे बालाह आगच्छत, हे बालकों आ जाओ, माता च पिता कथयत, हे कन्ये आगच्छत। माता और पिता बालिका को बुलाते हुए कह रहे हैं हे बालिके आ जाओ। तो इसमें जो हे का प्रयोग किया गया है, बुलाने के लिए जो चिन्ह लगाया गया है वही क्या है, संबोधन है। आगे देखिए, हे कन्ये आगच्छतम, हे बालिकाएं आ जाओ, हे बाला आगच्छत, हे बालकों आ जाओ, हे कन्या आगच्छत, हे कन्याओं आ जाओ। तो इसमें जो हे शब्द का प्रयोग हुआ है, हे अरे, ये क्या होता है, यही संबोधन होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में हे अरे और अहो लगा हो तो समझ जाइए वो क्या है, संबोधन है, ठीक है? इसमें देखिए अब अंत में दिया गया है सर, चैप्टर कौन सा है, ध्यान देने योग्य बातें। क्या ध्यान देना है, सुनिए ध्यान से। संबोधन बिना म्यूट किए आप लोग मानेंगे नहीं, है ना? कौन सा सर, चैप्टर कौन सा है सर, चैप्टर कारक संबोधन। चलिए सुनिए, ध्यान यान तथ्यानि, ध्यान देने योग्य तथ्य, सुनिए ध्यान से। यदा कोऽपि कम अपि अकारयत तदा संबोधनस्य प्रयोगो भवति। यदि कोई आपको पुकारता है, बुलाता है, तब वहां पर संबोधन होता है। यथा हे ईश्वर, जैसे हे ईश्वर, ईश्वर को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, संबोधन किया गया है। संबोधनस्य प्रयोग संज्ञा पदस्य पूर्व भवति। संबोधन का प्रयोग हमेशा संज्ञा से पहले होता है। जैसे ईश्वर संज्ञा हो गया तो उससे पहले हे लगा हुआ है। संबोधनस्य पश्चात चिन्हस्य प्रयोग भवति, और संबोधन के बाद ऐसा चिन्ह बनाया जाता है, ध्यान दीजिए ये चिन्ह। संबोधन के पश्चात हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब देखिए, इसमें एक्सरसाइज करना है, अपनी पेंसिल और बुक को खोल लीजिए और एक्सरसाइज शुरू किया जाए। पृष्ठ संख्या 45 पर एक्सरसाइज है,
अपनी बुक को खोल लीजिए और पेंसिल ले लीजिए। शुरू करें। चलिए लिखिए। जैसे दिया हुआ है अभ्यास कार्य में उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखना है। हे मेघ वैसे हो जाएगा, हे बाला, हे लता, हे ईश्वर, हे कन्या, हे कन्ये, हे बाला, कर लेंगे आप सभी लोग मुझे उम्मीद है। पहला सबका हो गया। दूसरा देखिए। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम संबोधन पदानाम प्रयोग कुरुत। उदाहरण देखकर संबोधन का प्रयोग करना है। हे सूर्य, उसके बाद दूसरे में क्या होगा? हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि, कर लीजिए। हे अग्नि, यस सर। तीसरे में क्या होगा? हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे शिवा, हे शिवा, हे चांद, शिव की पूजा कर रहा है ना, हे देव, हे चंदा, हे चंद्रमा, यस सर, हे चंदा। और अगले में हे देव, हे सूर्य, हे देव, हे सूर्य, हे सूर्य, अलग 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 किया। चलिए आप तारक भक्ति में किसी को पूछना है यस सर, यस सर, यस सर, नहीं कुछ भी नहीं। और किसी को क्या तो बोल रहे थे? ताबे आलम कुरैशी, क्लाउड पे बैठ जाओ। ताबे आलम कुरैशी, इधर बैठो पहले। और किसी भी बच्चे को इस क्षेत्र से कुछ पूछना है? नो सर। अगला क्षेत्र शुरू किया जाए। यस सर, यस सर। तो ये आपका जो कारक प्रकरण है यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम संस्कृत का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, ये पाठ चतुर्थ चौथा अध्याय है। सभी लोग अपने अपने पुस्तक की पृष्ठ संख्या 47 खोलेंगे। 47 पर यह अध्याय अंकित है। yes, सबको मिल गया? yes, sir. शुरू किया जाए। yes. इसको शुरू किया जाए। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए। yes, sir. उपपद विभक्ति क्या होता है? देखिए, विभक्ति के बारे में बताएं आपको हम।
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, इसको क्या कहते हैं? इसको विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विभक्ति कहते हैं। विभक्ति, विभक्ति मतलब जो कारक के चिन्ह होते हैं, जो कारक के भाग होते हैं, उनके आधार पर विभक्तियों का निर्माण होता है। और जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था आपको कि प्रत्येक विभक्ति के तीन लिंग और तीन वचन होते हैं, याद है सबको? आप सभी को याद है? चलिए सुनिए अब इसको, अपने अपने पुस्तक में ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। पुत्र जनकम नमति, पुत्र पिता को प्रणाम करता है। बालह गृहम गच्छति, बच्चा घर घर को जाता है। पुरुषः पुरुषः नगरम प्रति गच्छत, पुरुष नगर के लिए रवाना होता है। नम कारणात, अब देखिए इसमें क्या है, नम कारणात जनकम द्वितीया, नमस्कार करने के कारण पिता में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर से देखिए इसको, फिर से मैं शुरुआत से इसको पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे आप सभी लोग। पुत्रः जनकम नमति, पुत्र अपने पिता को नमस्कार करता है। नम कारणात जनकम द्वितीया, नमस्कार करने के कारण, जनक क्या है? द्वितीया विभक्ति हो गया है। क्या हो गया? नमस्कार कौन कर रहा है? नमस्कार कौन कर रहा है बताइए? पुत्र कर रहा है। तो पुत्र यहाँ पे क्या हो गया? पुत्र क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता हो गया ना, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? यस सर। जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्ता, यस सर, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। और पिता, पिता क्या हो गया यहाँ पर? ओ, क्या हो गया? पिता को कर्म हो गया ना, पिता कर्म। तो यहाँ बताइए कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए कर्म को, कर्ता ने कर्म को कौन सी होती है बताइए? तो कर्ता ने कर्म को नहीं, कर्ता ने मैं चिन्ह नहीं पूछ रहा हूँ। प्रथम प्रथम प्रथमा, यस, कर्ता की भक्ति हमेशा क्या होती है? और कर्म की भक्ति हमेशा क्या होती है? द्वितीया होती है। इसलिए नमस्कार करने के कारण जनकम जो है द्वितीया विभक्ति में परिवर्तित हो गया है। समझ में आई बात? यस सर। देखिए yes, बालम बालह गृहम गच्छति, गम कारणात गृहम द्वितीया, यहाँ पर जाने के कारण कहाँ जा रहा है? घर को जा रहा है। को कर्म, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर किसी से संबंध क्या हो रहा है? वहां पे जा रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। देखिए पुरुषः नगरम प्रति गच्छत, पुरुष नगर को जा रहा है, यहाँ पर भी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्म होगा। और जब कर्म होगा तो क्या होगा? द्वितीया विभक्ति होगी। आई बात समझ में? यस सर। समझ में बात आई? जी यस सर। आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखिए, आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने आसपास शोर ना करें। साहबे आलम खुरैसी, तो के पास है मैं कौन सर? आप मेरी बात सुनने के आप लोग आए तो क्या चाहिए? चलिए देखिए अगला। गृहम परितः उपवनम अस्ति, घर के चारों ओर क्या है? उपवन अर्थात बागीचा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक, गृहम परितः उपवनम अस्ति, घर के चारों ओर बागीचा है। गृहम सर्वतः उपवनम अस्ति, घर के सभी तरफ, सर्वता मतलब चारों तरफ क्या है? बागीचा है।
पदितः सर्वतः कारणात् गृहं दित्वा। परितः और सर्वतः के कारण घर का यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गया है। घर के तो जा को के आएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और कर्म हमेशा क्या होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है। तो वाक्य में क्या कहा गया है, घर के चारों तरफ या घर के सभी ओर, तो के और को का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्म होगा, और जब कर्म होगा तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, इसलिए गृहम का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। नदी के दोनों तरफ, उभयतः दोनों तरफ क्या है, वृक्ष है। नदी के, नदी में नहीं, नदी के, तो के का प्रयोग फिर हुआ है, फिर यहाँ पर नदी कर्म के रूप में प्रयुक्त हुई है, और जब कर्म के रूप में प्रयुक्त हुई है तो द्वितीया हो जाएगी, और जब द्वितीया हो जाएगी तो नदीम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर द्वितीया हुआ है। अगला देखिए, धिक त्वाम, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, धिक कारणात् त्वाम द्वितीया, तुमको धिक्कार है, मतलब यहाँ पर भी को का प्रयोग हुआ है, तो तुमको कोई कह रहा है कि तुम पर धिक्कार है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, द्वितीय विभक्ति हुई है, और द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म कारक, कर्म कारक, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला देखिए, बालः अध्यापकं पृच्छति, बच्चों से बच्चे अध्यापक से पूछते हैं, प्रच्छ कारणात् पूछने के कारण यहाँ पर द्वितीया होगी। भिक्षुकः माम याचते, भिखारी भीख मांगते हैं, और याचना करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी। पिता पुत्रम कथयत, पिता पुत्र को कुछ कहता है, कथ धातु के कारण यहाँ पर क्या होगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान यान तथ्यान, ध्यान देने योग्य बातें अगले पेज पे है, देखिए क्या है, क्या लिखा गया है, द्वितीय विभक्ते प्रयोग, जितने भी धातुएं हैं, कौन कौन सी धातुएं, नोट कर लीजिए, नम गम याच प्रच और कथ, नम गम याच प्रच और कथ, ये जितनी धातुएं हैं ये हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही प्रयोग होती हैं। इसके अलावा द्वितीय विभक्ते प्रयोग प्रति, उभयतः, परितः, सर्वतः, इसके अलावा प्रति, उभयतः, परितः और सर्वतः, ये शब्द जहां भी होंगे वहां पर हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होगी, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए अभ्यास कार्य इसका पूरा कर लिया जाए। अभ्यास में लिखिए, उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत्, उचित पदों के द्वारा खाली स्थान को पूरा करना है, तो लिखिए इसमें, तो बालह गुरुम प्रणमति, गुरुम होगा इसमें, गुरुम रुद्रा सिंह लिखो, गुरुम पेंसिल से लिखो, गुरुम कौमे गुरुम होगा, ठीक है, ख में लिखिए उपवनम, ख में होगा उपवनम, ख में लिखिए उपवनम, ग में लिखिए तम, तम धिक, ग में लिखिए तम, शिवांगी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है शिवांगी, सर हिलाओ, आवाज म्यूट किए हैं, हमारी आवाज आप सब तक पहुंच रही है, शिवांगी सिंह, सांभवी सिंह, चलिए लिखिए, घ में लिखिए सह नगरम प्रति, यहां पे नगरम होगा, नगरम इसको भर लीजिए, सह नगरम प्रति गच्छति, यहां पे नगरम होगा। अंग में देखिए क्या होगा, अंग में बालह
अध्यापकम अध्यापकम ठीक है। ये आपका द्वितीय विभक्ति वाला समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे तृतीय उपपद विभक्ति। देखिए कैसे, बुक में देखिए पृष्ठ संख्या 49 पर ध्यान दीजिए। पिता पुत्रेण सह गच्छत, पिता पुत्र के साथ जाता है, सह कारणात पुत्रेण तृतीया, साथ साथ जाने के कारण, सह सह मतलब होता है साथ, तो साथ जाने के कारण पुत्रेण क्या हो गया है, तृतीया विभक्ति हो गया है। समम कारणात अपि तृतीया, और एक समान होने के कारण भी तृतीया हो जाता है। अगला देखिए, अलम युद्धेन, अलम कारणात युद्धेन तृतीया, युद्ध करने के कारण यहां पर तृतीया विभक्ति होगी। सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्रों से अंधा है, अंग विकारणात नेत्रेण तृतीया, अंग विकार होने के कारण यहां पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। परिश्रमेण बिना कुतः विद्या, परिश्रम के बिना विद्या कहां संभव है, बिना मतलब बिना अलग होने के दशा में यहां पर क्या होगा, बिना के कारण द्वितीय तृतीय पंचमी, मतलब जहां पर अलग होने की स्थिति होती है वहां पर द्वितीय भी होगा, तृतीय भी होगा और पंचमी भी होगा, याद रखिएगा इसको। आप पढ़िए इसमें ध्यान यान तथ्यान, ध्यान देने योग्य बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात ध्यान दीजिए। तृतीय विभक्ति प्रयोग, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहां कहां होता है, सह अलम बिना, सह अलम और बिना, ये जहां भी आएंगे शब्द वहां पर हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा अंग विकार, जहां पर किसी व्यक्ति के आंख नाक हाथ आदि अंगों में विकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा या अपंग होने के कारण शब्द प्रयोग होते हैं, वहां भी तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। सौम्या पेंसिल निकाल लो, एक्सरसाइज करो इसका। उचित पदय रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखिए पहले में क में सह करणे, सह करणे वह कान से क्या है, बहरा है, करणे भरिएगा, करणे सह करणे। हो गया श्याम्भवी, चलिए दूसरा ख है सह जनकेन, वह पिता के साथ, इसलिए क्या होगा, जनकेन सह जनकेन। ग में देखिए अलम चिंतया, चिंतया पहला वाला होगा, अलम चिंतया, घ देखिए कार्यस्य बिना कुतः साफल्यम, कार्यस्य होगा, कार्यस्य और अंग है सह अग्रजेन समम गच्छत, अग्रजेन होगा, अग्रजेन। हो गया सबका, सौम्या जय आदित्य वर्मा, हो गया कंप्लीट। चलो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थी उपपद विभक्ति। हमने द्वितीय पढ़ लिया, तृतीय पढ़ लिया, अब हम चतुर्थी पढ़ेंगे। चतुर्थी में क्या है देखिए, देवेभ्य नमः, देवता को नमस्कार करना, देवता को नमस्कार, नमः कारणात देवभ्य चतुर्थी,
नमस्कार करने के कारण, मतलब नमः झुकने के कारण, नमस्कार करने के कारण यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी होगी। इंद्राय स्वाहा, इंद्र को हवन अर्पित करने में के कारण, स्वाहा के कारण यहाँ पर इंद्राय में क्या होगा? चतुर्थी होगा। सर्वभ्ये स्वस्ति, स्वस्ति करणात् सर्वेभ्य चतुर्थी। अब इसका ध्यान देने की बात इसमें देखिए क्या है, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग नमः स्वाहा स्वस्ति शब्दानाम प्रयोगेण सह भवति, मतलब इन शब्दों का प्रयोग जहां भी होगा, इसके अलावा और भी शब्द हैं लेकिन मूलतः इन शब्दों का प्रयोग जहां भी होगा वहां पर हमेशा चतुर्थी उपपद विभक्ति होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए पंचमी उपपद विभक्ति, पांचवी विभक्ति में क्या बताया गया है, जना सिंहात विभेति, सिंहात लोग शेर से डर कर भागते हैं, अलग होते हैं ना शेर से, भी कारणात सिंहाह पंचमी, भी मतलब भागने के कारण, अलग होने के कारण यहाँ पे सिंहात में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? पंचमी हो जाएगी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत मतलब गिरने के कारण, अलग होने के कारण वृक्षात पंचमी हो जाएगा, वृक्ष में, वृक्षात में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। अब इसका एक्सरसाइज है पंचमी व्यक्ति वाला, कर लीजिए इसको, पंचमी व्यक्ति का अभ्यास कार्य करिए। सौम्या क्यों हंसी आ रही है? सौम्या जायसवाल क्यों हंसी आ रही है? जब आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है? आर्यन गुप्ता दांत मत दिखाइए आप लोग, ठीक है? चलिए एक्सरसाइज करिए इसका। सह पापात, पापात भरिएगा इसमें, क में पापात होगा, पापात। ख में देखिए देवाय, देवाय। ग में होगा सर्वेभ्य, सर्वेभ्य। और घ में होगा इंद्राय, घ में इंद्राय होगा। अंग में होगा अस्वात, अस्वात। अब हम पढ़ेंगे खष्टी उपपद विभक्ति और सप्तमी उपपद विभक्ति, दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, मम गृहस्य उपरि कोऽपि न वसति, मतलब जहां, यहां पर अधिकरण की बात की गई है, अधिकरण मतलब जिस पर आधार हो वो अधिकरण होता है, जहां पर मे और पर का प्रयोग होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो क्या कहा गया है, मम गृहस्य उपरि कोऽपि न वसति, मेरे घर के ऊपर कोई नहीं रहता है। ऊपरी कारणात गृहस्य खष्टी, ऊपर शब्द के कारण गृहस्य में क्या है, खष्टी विभक्ति है। माता पितरौ पुत्रे स्नेहात, स्नेह कारणात पुत्रे सप्तमी, माता और पिता पुत्र को प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, माता पितरो पुत्रे विश्वासम कुरुतः, माता और पिता पुत्र पर विश्वास करते हैं। विधंस्वस करणात पुत्रे सप्तमी, पुत्रे में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है
ध्यान यान तथ्यानि खष्टी विभक्ति प्रयोग उपरि शब्द से प्रयोग सभवति। खष्टी विभक्ति में हमेशा ऊपर में पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति प्रयोग है स्नेह विश्वास। सप्तमी में स्नेह और विश्वास जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इसका एक्सरसाइज है करिए, तो इसको पेंसिल निकालिए। पेंसिल निकाल लीजिए सभी लोग, देखिए इसको। हो जाएगा ये हो जाएगा सर। पेज नंबर यस सर पेज नंबर 52 है। एक भोग दिन पूरा असली। चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए। Yes, sir. Yes, sir.